हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और देखिए, आज मैं ना आप लोगों के लिए यह क्रोशिए का डिजाइन लेकर आई हूँ। और इस पैटर्न को आप किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि स्कार्फ, कार्डिगन, शॉल, बच्चों की जैकेट्स वगैरह, किसी पर भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और बनाना काफ़ी आसान है। शुरू करते हैं इसको बनाना। देखिएगा, इसको मैंने ऐसे बनाया है। ये मैंने यहाँ पर पैटर्न से आप कुछ भी बनाएंगे ना तो बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाएगा। देखिए, 5 डबल क्रोशे हो गए। और अब हम यहाँ पर 2 चैन स्टिच करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अटैच करना ना हमें बीच में लगा। इस तरीके से भी इसको अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिर 5 डबल क्रोशे करेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पर, हमको फिर बीच में यहाँ पे दो पीस लाकर अटैच करना है इसको। तो दो चैन स्टिच, दो चैन स्टिच करेंगे। अब हम यहाँ से दो डबल, और ये दो यहाँ पर इसके हो जाएंगे, जो हमारे लास्ट वाले। ये तो आप जितना रखेंगे उतने रहेंगे।
5 रखेंगे, 2 रखेंगे, और अब हम यहाँ पर एक टेंशन करेंगे और वर्क को पलट लेंगे, है ना काफी जी बनाना इसको। देखिए अब स्टार्टिंग में फिर हम थ्री टेंशन करेंगे, ये हमारे डबल क्रोशे हो गए और फिर एक डबल क्रोशे हो गए। और अब देखिए देखिए अपने जैसे हमारे 5 डबल क्रोशे हैं, तो अब इनके ऊपर हम 4 डबल क्रोशे करने हैं हमको, यहाँ पर हो जाएगा। काफी इजी है इसको बनाना, बस अल्टरनेट करना है। यहाँ पर 4 हो गए, अब यहाँ पर 5 डबल क्रोशे हो जाएंगे और यहाँ पर लाकर हम इसके बीच में अटैच करते हैं। यही है बस, बहुत ही रंग का है यह पैटर्न और बहुत ही सुंदर लगता है। इस पैटर्न से आप कुछ भी बना सकते हैं, और अगर आपको जो है पैटर्न अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन इस तरह की आगे आने वाली वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।